रिया, रिया तू अभी तक गुस्सा है मेरे से? मैंने ऐसा क्या किया? मैं बंबई नहीं जाऊंगी मामा, मुझे ये सब नहीं करना। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, अब मैं तेरे पे कोई दबाव नहीं डालूंगी। पर मुझे बता, जिस बात से तू अपने पापा से गुस्सा है, अब वो बात तू हमारे साथ नहीं कर रही? मैं क्या कर रही? आप तो हमेशा मुझे ही बोलते रहते, पापा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं? तू अपने पापा को तो जानती है ना, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो कुछ भी बोल देते हैं, उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है। देख देख, उनकी तरफ से ना मैं सॉरी बोल देती हूँ। अगर तू ऐसी अपनी जिद पे अड़ी रहेगी ना, तो फिर तेरी ये बात हमें पराया महसूस नहीं कराएगी। मेरे लिए तो आप ही मेरी मामा हो ना। I'm sorry. आप जो चाहेंगे मैं वही करूंगी। मैं जानती थी ये मेरी रिया है ना, जो ये मेरे साथ ना ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती, मेरे से बहुत प्यार करती है ना? पापा से भी, लेकिन अब पापा से कही कि आइंदा उन्होंने अगर मुझसे ऐसे कुछ कहा ना, तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। तो फिक्र मत कर, मैं पापा को डांट दूंगी, ठीक है? तेरी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। चल चल, अब जल्दी से कपड़े तैयार कर ले, वो मैडम को मिलने भी तो जाना है ना। मामा, फिर सगी माँ कौन है? वो पता नहीं, मैं नहीं जानती। अभी तो तूने कहा था कि हम ही तेरे असली माँ बाप हैं, फिर तूने ये सवाल क्यों किया? मैं तो ऐसे ही। I'm sorry. चल ठीक है, जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो देर हो जाएगी। कर दी तुम लोगों ने, मेरे दिल ले जाने का मतलब यह निकाल लिया कि इस परिवार से मेरा कोई संबंध ही नहीं रह गया है। अलग थलग कर दिया काट कर, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया प्रतीक के साथ, और मुझे भनक तक नहीं। पापा, हमने सोचा कि आपके वापस आने से पहले प्रतीक घर आ जाएगा, लेकिन पापा पापा बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी की बन गई। कुछ पॉलिटिकल लोगों ने सिचुएशन का फायदा उठाने के चक्कर में। अच्छा बस, कहानी मत बनाओ। पिताजी, मैं वेरी सॉरी। हम सब ने ये सोचा कि आपको इसके बारे में बताकर आपको तकलीफ नहीं दी जाए। हमको तो लगा था कि प्रतीक जल्दी छूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं असल में कुछ कर नहीं पाते, वरना प्रतीक को इस तरह जेल में नहीं रहना पड़ता। लेकिन अब प्रतीक जल्दी छूट जाएगा। बिंदु ने अपने एक दूर के रिश्तेदार से बात की है जो दिल्ली में एसपी है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो प्रतीक के लिए जल्दी ही कुछ करेंगे। किसकी पहुंच कहां तक है ये बात जरूरी नहीं है, जरूरी ये बात है कि उस पहुंच का सही वक्त पर फायदा कैसे उठाया जाए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रतीक जल्दी से छूट कर घर आ जाए। मैं देखता हूं। देखा, मेरे भाई ने प्रतीक को छुड़वा दिया। सॉरी बिंदु भाभी, मैं आपके भाई की वजह से नहीं छूटा। बल्कि किसी और की सच्ची कोशिशों की वजह से छूटा हूं। आइए ना।
disturbing you, ma'am. May I come in? Come in. Actually, ma'am, मैं बताने आया था कि एरिया के पेरेंट्स आ रहे हैं। I know. आप कुछ परेशान लग रही हैं, ma'am? नहीं, जरा सा। मैं सोच रही थी, ज़िंदगी भी कितनी अजीब है। कभी-कभी इंसान को वहीं लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ से उसने शुरुआत की है। वक्त तो आगे निकल जाता है, मगर वो जगह वहीं की वहीं और वैसी की वैसी रह जाती है। मैं कुछ समझा नहीं मैम। अमन, मैं तुम्हें आज एक बहुत पर्सनल बात बताने वाली हूँ। 20 साल पहले मैं दिल्ली से शिमला आई थी और मैं इसी जगह ठहरी थी। एंड यू नो व्हाट? इसी रूम में। ओह रियली? ये तो बड़े इत्तेफाक की बात है। नहीं, इत्तेफाक नहीं है। जिंदगी में कभी कोई इत्तेफाक नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। हो सकता है उस वक्त जो मेरा हक मुझसे छीन गया था, उसकी वसूली करने के लिए भगवान ने मुझे दोबारा यहाँ भेजा। लेकिन ऐसा क्या छिन गया था मैम? 20 साल पहले मैं अपने अंकल के साथ शिमला आई थी और मैंने मिस शिमला कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। रियली? तो डेफिनेटली आप वो क्राउन जीती होंगी। डेफिनेटली नॉट अमन, मैं हार गई थी, मगर मुझे बेईमानी से हराया गया था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? इम्पोर्टेंट वो नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मैं मिस शिमला का कॉन्टेस्ट जीत जाती तो आज मैं उस औरत की जगह होती। वो कौन है? वही जिसने मिस शिमला का कॉन्टेस्ट जीता था 20 साल पहले। तुम्हारे आज की मुंबई की सोशलाइट, करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट मनुविराज सक्सेना की बीवी। यू मीन मंजू सक्सेना, राइट? राइट। एनीवे, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, कॉल देम इन। डेफिनेटली। लेकिन प्रतीक को छुड़ाया कैसे? बस छुड़ा लिया। क्यों मंजू? We were really fortunate. आज जब सितारे बदल जाते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी रास्ते से हट जाती हैं। लेकिन मेरे सितारे बदलने के लिए तो आप लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुका दी। कैसी कीमत? पापा, मेरे आजादी की कीमत जो शायद हम कभी नहीं चुका सकते, मगर टीना भाभी के किटी के दोस्तों ने, जिन्हें आप लोगों ने कभी इज्जत की नजर से नहीं देखा, इन्होंने मुझे रिहा करवाया। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों ने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, हम तो प्लीज इसे एहसान मत कहो, ये तो दोस्ती का फर्ज है जो हमने निभाया है। बस हम किटी फ्रेंड्स भी एक परिवार की तरह हैं। वी आर लाइक अ फैमिली, और परिवार में एक दूसरे का साथ देना एहसान नहीं कहलाता। लेकिन प्रतीक और आप सभी टीना के जरिए हमारी किटी पार्टी सर्कल से जुड़े हुए हैं। माँ जी, ये बात अलग है कि सबने हमें वो इज्जत नहीं दी, लेकिन टीना और उसकी हर तकलीफ की हमारी नजर में तो बराबर अहमियत है। पता नहीं आप लोगों ने हमारे बारे में ये इमेज क्यों बना रखी है, लेकिन हम सब भी अपने अपने परिवार से उन्हीं फैमिली वैल्यूज से जुड़े हुए हैं जैसे कि आप सब। हाँ माँ जी, हम आपसे बहुत छोटे हैं, आपको क्या समझाएं, बट एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि हम किटी पार्टी में जाने वाली औरतें मॉडर्न हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खराब है। वक्त के साथ कई चीज़ें बदलती हैं, हमारा पहनावा, खाने पीने का तरीका, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अंदर वही फैमिली वैल्यूज़, वही बिलीव्स नहीं हैं। और वैसे भी कपड़े बदलने से किसी का कैरेक्टर तो नहीं बदल जाता।
ये जरूरी तो नहीं कि हर वो औरत जो साड़ी पहनती हो वो सती सावित्री हो, या फिर हर वो औरत जो जीन्स और स्लीवलेस टॉप्स पहनती हो वो बच्चलन हो। टीना ने मॉडर्न होने के बावजूद इस फैमिली की हर खुशी के लिए पूरी पूरी कोशिश की है, और उसकी इन कोशिशों में जिन फ्रेंड्स ने उसका साथ दिया है वो भी स्लीवलेस पहनती है। सो व्हाट? टीना ने आपकी फैमिली के हिसाब से अपने आप को पूरी तरह से ढाला है। बचपन से वो ये मॉडर्न लिबास पहनती थी, फिर भी आपके परिवार की खुशी के लिए अपना ये मॉडर्न लाइफस्टाइल आपसे छिपा के रखा है। अगर ये इतने ही मॉडर्न ख्याल की थी तो इसने ऐसे घर में शादी ही क्यों की जिसमें सिर्फ साड़ी पहनी जाती है, जहाँ किटी पार्टी में जाना और क्लबों में जाना बदचलनी समझा जाता है। टीना तो शादी करना भी नहीं चाहती थी भाभी, लेकिन मैंने उसे इंसिस्ट किया। वो जानती थी कि उसके लिए इस घर में यहाँ के तौर तरीकों को निभाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैंने उसे फोर्स किया क्योंकि मैं टीना को खोना नहीं चाहता था। और टीना ने हर रीति रिवाज को अपनाया भी जो हमारे घर की डिमांड्स थी। लेकिन उसने किटी में जाना और मिनी स्कर्ट पहनना तो नहीं छोड़ा ना? लेकिन रेवा, अगर मैंने टीना को किटी पार्टीज में जाने से रोका होता तो आज हमें ये दिन देखना नसीब नहीं होता। यानी तुम पहले से जानते थे कि टीना किटी पार्टी में जाती है? हाँ जानता था, मैंने ये बात छुपाई रखी थी, उसके झूठ में उसका साथ दिया था और अब उसकी सच्चाई में भी उसका साथ दे रहा हूं। कम इन प्लीज। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आओ बैठो बैठो बैठो। थैंक यू अमन, आई सी यू लेटर। बाय। कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठीक है। रिया, तुम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। पता है मैं जब भी रिया को देखती हूँ ना तो ये मुझे किसी की याद दिलाती है। She reminds me of somebody. 20 साल पहले 20 साल पहले? उसी कमाल करती हैं आप। 20 साल पहले तो हमारी बस्सी पैदा ही नहीं हुई थी। वो तो मैं जानती हूँ। मगर पता नहीं क्या है रिया में, इसकी स्माइल या नाक नक्श में। आप किसकी बात कर रही हैं? उसी कसम हिमाचल की, लाखों में एक सूरत है हमारी बस्सी की, भला इसकी सूरत किससे मिल सकती है? ये वैसे कौन थी जी वो? छोड़ो, वो तो पुरानी बात है, आज की बात करते हैं। ओके, ये देखिए, वादे के मुताबिक ये 50,000 रुपए कैश एंड चेक, 50, ये कॉन्ट्रैक्ट। पहले फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर ले। रिया, मुझे इस पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए, और यहाँ क्या प्रॉब्लम है लजी, साइन जितने मर्जी साइन करवा लो, हमको कोई एतराज नहीं है। ले बेटी, हर पन्ने पे साइन कर दे एक एक। ये ले। जल्दी कर बेटा, घर जाके नोट भी गिनने हैं ना। अरे वैसे तो आप यहाँ बैठे बैठे गिन सकते हैं। जी मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे को पूरा भरोसा आप पर, तभी तो अपनी बेटी आपके हवाले कर दी है। नहीं नहीं, ये तो मैं समझती हूँ। अच्छा, परसों रिया को मुंबई के लिए रवाना होना है, मैं टिकट भिजवा दूंगी। एक मिनट, रिया के साथ मैं भी मुंबई जाना चाहती हूँ। आई एम अफ्रेड दैट्स नॉट पॉसिबल, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम ये अलाउ नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ रद्द कर देती हूँ। नहीं नहीं, कमाल कर दी, रद्द करने की क्या जरूरत है, है? रिया जाएगी जी, बिल्कुल जाएगी। अब हमारा क्या है, हम तो मुंबई फिर चले जाएंगे, क्यों शादी का? हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। ये रखिए। अच्छा जी, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते 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 जी, चलो जी।
कल तक टीना और उसके सर्कल के बारे में जो कुछ भी कहा और सोचा गया था वो आज गलत साबित हो गया है। उसके दोस्तों ने हमारी जिंदगी पर ऐसा कर्ज चढ़ा दिया है जिसे हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। पिताजी, माँ जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग मेरे फ्रेंड्स को गलत नहीं समझेंगे। मैंने कभी भी तुम्हारे दोस्तों को गलत नहीं कहा, ये कहा हमेशा कि वो अलग हैं, हमारी सोच से, हमारे संस्कार से। मेरी मम्मी डैडी आज भी मॉडर्न हैं। मेरी मम्मी आज भी ट्राउजर और शर्ट पहनती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वही संस्कार और वही सोच दी है जो इस घर की है, इसलिए तो मैं आप सबकी देखभाल कर पाई, आप सबको वही इज्जत दे पाई जो एक बहू अपने सास ससुर को करती। तो तुमने अपने सच को छुपाने के लिए ये सब किया। अगर टीना के संस्कार सही नहीं होते तो उसे ये सब छुपाने की जरूरत नहीं होती, वो ठीक उसी तरह से जी सकती थी जैसे वो जीना चाहती थी। बिल्कुल, ये सब उसने इसलिए किया है कि वो आपके परिवार से प्यार करती है, आपकी इज्जत करती है, और टीना के इसी नेचर की हम सब इज्जत करते हैं कि वो हर हालत में आपके परिवार की खुशियां चाहती है, इसीलिए हम सब ने उसकी मदद भी की। एंड नॉट ओनली टीना, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हम किटी फ्रेंड्स कोई दुनिया से अलग नहीं है, हम सब भी काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, और फिर महीने में एक बार मिलकर अगर हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, तो क्या गलत करते हैं। आई थिंक वी वेस्टिंग आवर टाइम। जो सोच टीना प्यार और मोहब्बत के साथ इतने महीनों में बदल नहीं सकी है वो हम एक दिन में कैसे बदल सकते हैं। आई थिंक वी शुड लीव। माँ जी। माया, कुछ तो बोलो। इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा बेटा हमारे बीच है। इन लोगों का इतना बड़ा एहसान है हमारे सर पर के कम से कम इस जीवन में तो हम नहीं चुका सकते। आप लोग ये मत समझिए कि हमने ये सब कुछ आपकी नजरों में अपनी इमेज चेंज करने के लिए किया है, हमने तो ये सब कुछ टीना के लिए किया है। बस सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं कि आप टीना को मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हमें अपनी इमेज की परवाह नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं। माफ कीजिए, हमने आप लोगों को गलत समझा। Congratulations, ma'am. Congratulations to you and thank you. Thank you तो मुझे आपको कहना चाहिए मैडम, आपने जो मेरे लिए कुछ किया है उसके लिए। मगर तुमने जो मेरे लिए किया है ये तुम खुद नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। Of course, madam, anytime. तुम शिमला को कितनी अच्छी तरह जानते हो? वैसे अगर मैं किसी और प्रोफेशन में होता ना मैडम तो इतनी अच्छी से नहीं जान पाता, बट एज अ फोटोग्राफर मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। वेरी गुड, क्योंकि जो काम मैं तुम्हें देने वाली हूँ वो शिमला से ही ताल्लुक रखता है। I'll try my best, madam. No try, you have to do it, okay? तुम्हें पता करना है कि मंजू सक्सेना की फैमिली कहाँ रहती है। मंजू सक्सेना फैमिली? But madam, no ifs and buts. Either you say yes or no. लेकिन मंजू सक्सेना की फैमिली क्या अभी शिमला में होगी? ये पता लगाना तुम्हारा काम है। 20 साल पहले तो रहती थी। वैसे मैडम ये काम मेरे प्रोफेशन के बाहर का है। काम काम होता है और काम की कीमत होती है, और तुम ये भी जानते हो कि मुंबई में मैं तुम्हें अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स दिला सकती हूँ एज अ फोटोग्राफर। यस, आई नो दैट मैम। सो यू आर गोना डू इट फॉर मी और नॉट? आई विल डू इट। ग्रेट, और ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए।